अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th एंड आवर टुडेज टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स विद इम्पॉर्टेंट कोर्ट प्रोनाउंसमेंट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है इनको कैसे आइडेंटिफाई किया गया है और लॉ के जरिए उनके इम्प्लीमेंटेशन को कैसे प्रोटेक्ट और कैसे इसको इम्प्लीमेंट में कैसे इसको जगह मिल चुकी है। तो सबसे पहले हमारे पास जितने भी राइट्स हैं जिनका मैंने जिक्र पहले भी किया, सबसे पहला जो राइट है हमारे पास है दैट इज राइट टू इक्वालिटी। आपको मैंने पहले भी बताया कि आर्टिकल 14 to 18 जितने भी आर्टिकल्स है इन सारे आर्टिकल्सों में राइट टू इक्वलिटी के जितने भी क्लाज है उसको इनका दिफा किया गया है। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी में जो आर्टिकल 14 है दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो क्या है? आर्टिकल 14 जो है इट गारंटीज टू एवरी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ ऑन द इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो हिंदुस्तानी जो स्टेट है, हिंदुस्तान का जो इलाका है, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है, इसमें आर्टिकल 14 जो है हर एक शहरी को ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि तमाम लोगों को ये लॉ में एक बराबर एक ही जगह एक ही लाइन में खड़ा कर देता है और इसकी प्रोटेक्शन भी हिंदुस्तान ही के आईन में ही है। The Constitution prohibits a discrimination between persons placed in similar situations. यानी अगर एक ही हालत में दो लोग हैं, इनको इस बुनियाद पे किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है। सो दिस इज आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसके बाद इसकी आर्टिकल 14 जो है इसकी कोर्ट जजमेंट जो आई है दैट इज़ इन 1952 सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर हुआ था, वेस्ट बंगाल का एक आदमी रहने वाला था जिसका नाम था अनवर अली। सो द केस वाज बिटवीन अनवर अली विच वाज ए रेजिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का रहने वाला जो था। सो रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 14 इज दैट एक्शन शुड बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, यानी कि उसका जो वर्डिक्ट बैज में आया उस हिसाब के उसकी रूह से जितने भी जो कोर्ट डायरेक्शन है वो इस हिसाब से दी हुई है कि जो आर्टिकल 14 की जो भी रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए। सो इसके बाद एक और कोर्ट वर्डिक्ट भी आया था दैट वाज इन 1993 इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से आर्टिकल 14 जो था इट इज़ टू बी अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी इसको देखा जा सकता है। सो इट इज़ आर्टिकल 14 इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, ये क्या है और लॉ में कोर्ट जजमेंट में इसको कैसे प्रोटेक्ट किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 15, सो इट वॉज आर्टिकल 14 दैट वॉज इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसके बाद आर्टिकल 15 जो है, सो आर्टिकल 15 इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जैसा कि लगता ही है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ कि कोई किसी भी किस्म का भेदभाव होना। सो आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स द स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, यानी कि आर्टिकल 15 स्टेट को ये डायरेक्ट करता है कि जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं और इन सिटीजन्स को रिलीजन को बुनियाद बनाकर या रिलीजन को देखकर या रेस या कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ इन चीज़ों इन में से किसी भी चीज़ को बुनियाद बनाकर दो सिटीजनों में किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। सो ये एक और ये भी एक मसला है कि इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर किसी भी पब्लिक प्लेस की जो है उसको अंदर दाखिल होने में या रेस्टोरेंट कोई होगा या शॉप होगा या कोई भी किसी किस्म की कोई मोनूमेंट होगी या कोई भी किसी किस्म की देखने की जितनी भी चीज़ें हैं
इन चीजों को बुनियाद बनाकर, जैसे कि मैंने आपको बताया रेस है, रिलीजियस है, प्लेस ऑफ बर्थ है, इनको भी, इनमें से किसी भी चीज को बेस बनाकर कोई भी दो शहरों को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। सो दिट इज, अब इनमें से एक मसला यह है, एक एग्जिप्शन है, एग्जिप्शन यानी कि जो इनको किसी किसी जगह ला इसको थोड़ा डिवीड भी कर सकता है, बट देर आर स्पेशल प्रोविजन। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशल प्रोविजन कैन बी मेड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन और वुमेन जो है इनको किसी स्पेशल दायरे में भी लाया जा सकता है, या स्पेशल प्रोविजन कैन बी ऑल्सो मेड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ एस सी एस टी एंड सोशली और एजुकेशनली जितने भी बैकवर्ड क्लास है। यानी कि आज भी हम ये जानते हैं कि कैटेगरी को बुनियाद बनाकर कोई किसी खास तबके को किसी भी लॉ के अंडर उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है, यानी कि इसको खास मुराद भी दिया जाता है या इसको कोई ऐसी एक कस्म की छूट दी जाती है। सो ये था आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद आर्टिकल 16, दैट इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसा कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16 जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल इट्स सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जितने भी हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेस हैं, किसी भी चीज किसी भी आदमी को हर एक मौका, यकसान मौका मिलना चाहिए। हर आदमी को जो भी हमारा सिटीजन होगा हमारे मुल्क का, इसको बराबर सा मौका मिलना चाहिए। दैट इज आर्टिकल 16। लेकिन देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिकल 16। थ्री रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। वो क्या है? दैट इज, पार्लियामेंट में मेक लॉज प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू रेजिडेंस फॉर स्टेट एम्प्लॉयमेंट। यानी कि किसी स्टेट का जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसको, फॉर एग्जाम्पल किसी जगह स्टेट सब्जेक्ट एक कंडीशन होती है, लेकिन पार्लियामेंट इसमें कोई लॉ बना सकता है या उसमें छूट दे सकता है या नई कानून बना सकता है स्टेट सब्जेक्ट को बुनियाद बनाकर। या कई स्टेट, अगर किसी जगह होगी स्टेट में रिजर्व पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लास, जैसे कि आज भी होता है कि बैकवर्ड क्लासेस, या फॉर एग्जांपल कोई सोशल कास्ट या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं उनको एक खास, इनके लिए एक खास कोटा मखसूस रखा जाता है। दिस इज सेकंड वन। और तीसरा क्या है? लॉ मे रिक्वायर दैट होल्डर ऑफ एनी ऑफिस ऑफ एनी रिलीजन इंस्टीट्यूशन शैल बी अ पर्सन प्रोसेसिंग दैट पर्टिकुलर रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक ऐसा लॉ भी बन सकता है कि किसी रिलीजन्स का कोई बंदा इस ऑफिस को होल्ड कर रहा, उस इंस्टीट्यूशन का होल्ड करता है, और वो उसी रिलीजन का आदमी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई खास रिलीजन होगा, उस रिलीजन के ऑफिस में वही रिलीजन का बंदा होगा जो कि उस रिलीजन का, जो कि उस रिलीजन से फैमिलियरिटी रखता हो। सो दीज आर द थ्री लॉज, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, और इसकी प्रोडक्शन कोर्ट जजमेंट है। इसके बाद आर्टिकल 15, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो इसमें एक्सेप्शंस भी है और थ्री रेस्ट्रिक्शंस भी, जैसे कि आपको मैंने बता दिया। इसके बाद एक और लॉ है, दैट इज अनटचेबिलिटी अबॉलिश, अनटचेबिलिटी अबॉलिश। सो अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 जो है, इसने इसके रू से, इसके हिसाब से अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस फॉर फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी को ममनू करार दिया गया है और इसको प्रैक्टिस में लाने के बाद किसी भी आदमी को बहुत सख्त किस्म का सजा मिल सकता है। सो दिस इज आर्टिकल 17। इसमें भी अनटचेबिलिटी, जितने भी ऑफेंसेस है इसके बाज़ाब्ता तौर इसमें एक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कि 1955 प्रोवाइडेड पेनल्टीज फॉर प्रिवेंटिंग ए पर्सन फ्रॉम एंटरिंग अ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप और टेकिंग वाटर फ्रॉम ए टैंक वेल आर रिसीविंग। ये एक ऑफेंस था, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। तो ये पेनल्टी फॉर प्रिवेंटिंग ए पर्सन, अगर किसी आदमी को हम इन चीजों से दूर रखेंगे तो
तो उसको जुर्माना बाजा जुर्माना अदा करना पड़ सकता था। इसके बाद एक और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 में, 1976 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट के तहत उसको रिनेम दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। सो अंडर दिस एक्ट एनी कन्विक्टेड पर्सन, कोई भी ऐसा बंदा शैल बी डिस्क्वालिफाइड, यानी उसको किसी भी किस्म सजा मिल सकती थी अगर फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस, अगर वो इलेक्शन में किसी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कब उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? अगर वो इस ऑफेंस में कहीं पकड़ा पकड़ा जाता था, अगर इसी इस हिसाब से इसी ऑफेंस में उसको पकड़ा जाता था तो उसको इसके हिसाब से, इस एक्ट के हिसाब से उसको मतलब ये सजा दिया जाता था। सो दीज वायर सम ऑफ द लॉज, सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विद इम्पॉर्टेंट कोड प्रोनाउंसमेंट्स। देर आर सम अदर लॉज, और भी कई हैं तो जिनको हम इस आज के टॉपिक में कवर अप नहीं कर सकते हैं, उनको हम अगले टॉपिक में कवर अप कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।